फ्रेंड्स, विजेसी सबडिस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो है गूगल क्रोम में इन्हांस्ड प्रोटेक्शन कैसे इनेबल करें, ओबे विंडोज 10 में। तो आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट से लेके इन तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन होने के बाद आपको यहाँ राइट साइड में 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ हेल्प पर आना है। हेल्प पर आने के बाद अबाउट गूगल क्रोम पर क्लिक करना है। अभी देखो मेरा जो है गूगल क्रोम अपडेटेड है। तो आपका अपडेटेड नहीं है तो आप अपडेटेड कर लीजिएगा। तो अपडेटेड होने के बाद आपको इसे कट करना है, पहले प्लस करना है, फिर बाद में ये कट करना है। तो फिर यहाँ 3 डॉट पर आना है, और यहाँ आने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है सिक्योरिटी, सेफ ब्राउजिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजरस साइट्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो पहले मेरा ये था स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन था, ये नहीं करना चाहिए, ये इन्हांस्ड प्रोटेक्शन है, ये इसे क्लिक करना चाहिए। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फास्टर, ओके, तो ये बहुत मतलब सेफ रहता है, इसलिए हम ये कर देते हैं। तो आज हमने जान लिया है कि इन्हांस्ड प्रोटेक्शन कैसे इनेबल करते हैं। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।